नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। चीन में लॉकडाउन लग चुका है दिसंबर माह से ही, और यह जनवरी का दूसरा सप्ताह भी गुजर गया। तीसरा सप्ताह चालू हो चुका है और वहां लगभग 45,000 से 55,000 के बीच लोग क्वारंटाइन है। मालूम होगा कि 2021 में ही जब दूसरी लहर आई थी तो चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बनाया था, और इस सेंटर में आपको आश्चर्य होगा कि जो व्यवस्था उन लोगों ने रखा है, जिसमें मेटल का बना हुआ रूम है, जिस रूम में 2 सप्ताह तक मनुष्य को रखा जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है, जिसमें खाने की व्यवस्था है और टॉयलेट की व्यवस्था है, और उसमें पिटाई की भी पर्याप्त व्यवस्था है। पिटाई हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो लोग क्वारंटाइन होकर के बाहर आए हैं वो अपना दर्द व्यक्त कर रहे हैं। दर्द व्यक्त करने के लिए बहुत सी प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहां भी बंदिशें इतनी है कि वहां की सरकार इस चीजों को भी आगे नहीं आने दे रही है। कुछ सोशल मीडिया के तहत तो आवाज उठती है, दुनिया तक पहुंचता है, लेकिन बहुत कुछ वहां गौन होकर के विलुप्त हो जाता है। मालूम होगा कि वहां से ही पहली दफा कोरोना का कहर बरपा था, जो पूरी दुनिया तब और तबाह हुई, वो भी चमगादड़ के खाने से, उसका जूस पीने से, उसका मांस खाने के से जैसा हुआ। और उसके बाद पूरी दुनिया में तबाही मची, और तबाही मचने के बाद भी ये पहला जो दौर था वो थमा नहीं, दूसरी लहर में तब्दील हुआ, दूसरा लहर भी थमा नहीं, और ये तीसरे लहर में तब्दील हुआ। और तीसरे लहर में जो वहां के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, वो ऑल इज वेल वाली डट लगाए हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि पूरी चाइना बिल्कुल स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, यहाँ कोरोना नाम की चीज भी ना दुनिया में उगे। रहे तो चाइना में रहे, लेकिन इसकी जो अफवाहें हैं या इसकी जो सच्चाई है वो दुनिया की नजर में ना आए, दुनिया की नजर में वो चाइना ऑल इज वेल हो, और ऑल इज वेल वाली ड्रग अपनी मन मर्जी से लगाए बैठे हैं। और कहर इतना है कि सड़कों पे जो भी उनके कर्मचारीगण है या फिर पुलिस फोर्स है वो तैनात है, लेकिन किसके लिए? अगर कोई भूखा, भूख से तड़पता हुआ खाना ढूंढने के लिए अगर वो निकल पड़ता है तो उसकी पिटाई के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए नहीं। कब, कहां, कैसे आप निकले, क्यों निकले घर से? यानी कि लॉकडाउन तो अचानक कर दिया, लेकिन खाने की व्यवस्था कौन देगा? ये सरकार का काम होता है कि पर्याप्त खाना आप उनको घर में दीजिए, और पहले से ही उनको बता दीजिए कि लॉकडाउन यहाँ किया गया है। जहाँ क्वारंटाइन की स्थिति नहीं भी थी उस घर को भी सील कर दिया गया है, जहाँ वहाँ की जनता बता रही है कि पागल की तरह लोग हो चुके हैं घर को सील कर देने से। ऐसा क्या होता है, एक आदमी सबको भी मिला नहीं कोरोना का पूरा मोहल्ला लोग हो चुका रहता है। ऐसे में सी जिनपिंग की ये चीजें हैं कि नहीं, हमारे चाइना में बिल्कुल ऐसा हो, हमारे चीन में बिल्कुल ऐसा हो, ऐसा कैसे होगा? जब तक आप अपनी जनता को पूरी व्यवस्था ना देंगे, मेटल के रूम में भी क्या क्वारंटाइन की ऐसी कौन सी मंशा या कौन सी नजरिया या कौन सी सोच उपजी जो पूरी दुनिया में एक अजूबा चीज बना करके वो खड़ा करती है? वहां की जनता तड़प रही है। जरूरी नहीं कि कोरोना का कहर हो या कोरोना के लिए लोग अस्पताल जाए। कुछ प्रेग्नेंट महिला अस्पताल पहुंची, वहां उसे एडमिट नहीं किया गया, और वो 8 माह की बच्ची उसके गर्भ में थी, और वहीं पे हॉस्पिटल के दरवाजे पे उसकी मृत्यु हो जाती है। एक बच्ची अपने पिता को लेकर के गई, पिता को भी एडमिट नहीं किया, उसके पिता के बेटे तो गए। जरूरी नहीं कि कोरोना के कारण ही लोग अस्पताल पहुंचे, कुछ भी मर्ज हो सकता है जिसके कारण लोग अस्पताल में दस्तक दे सकते हैं, लेकिन वहां डॉक्टर्स मुहैया नहीं है। जो भी डॉक्टर हैं कान में तेल रख करके सोए पड़े हैं, चूंकि वो कर नहीं सकते, उनको ऑर्डर नहीं है, आदेश नहीं है, सॉरी बोलते हैं वो मशहूर है, बहुत सारे जितने भी कर्मचारी हैं लोग सॉरी बोलते हैं, और उन्हें मालूम है कि हम ये नहीं कर सकते, वहां पे रुकावट है। घर के अंदर खाना नहीं है, जो भी खाना है लोग एक टाइम का खाना खाते हैं और सोचते हैं कि कल के लिए बचा कर रखा जाए, पता नहीं लॉकडाउन कब खुलेगा। ये अनिश्चित काल है, पता नहीं लॉकडाउन खुलेगा भी, या जनवरी में खुलेगा, फरवरी में खुलेगा, या फिर ये आगे भी बढ़ेगा, कहना मुश्किल है चीन का लॉकडाउन। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि लोग खाने के लिए जीते हैं, लेकिन यहाँ जीने पर भी लानत पड़ी हुई है,
खाने के लिए रोटी नहीं है कि भर पेट लोग रोटी खा सके। 3 टाइम तो दूर की चीज है, 1 टाइम के लिए भी लोग सोचते हैं और शाम के 3 और 4 बस्ता में कि लोग सो जाते हैं। ये लोगों की जुबानी ये बातें हैं जो छनकर के सामने आई है। कितना दर्द भरा है वो चाइना का कहर, जहाँ राष्ट्रपति महोदय अपने आवास में खाना आराम से खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, लेकिन जनता का ख्याल कौन करे। आप तो उस कुर्सी पे बैठे हैं, आपको कहां से पता चलेगा दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है और प्यास क्या होता है। लेकिन उनसे पूछिए जो जनता है, जिसका पैसा बैंक में तो है लेकिन खाने के लिए घर में अन्न नहीं, वो कहां से लाए। सबको पे निकलती है चटपटाहट आपकी बंदिशों को तोड़कर, चीन के बंदिशों को तोड़कर जो पब्लिक बाहर निकलती है उसकी भूख से पिटाई तो बाद में होती है, पुलिस की पिटाई से पहले हो रही है, और वो अधमरे होकर के फिर पुनः घर को वापस आते हैं। रोटी मिलेगी तो कहां मिलेगी, क्या सड़कों पे, क्या सरकारी दफ्तरों में, क्या बैंक में, कहां मिलेगा। ढूंढ रही है पब्लिक तरह तरह करके, कैसी तरह ही मची है जहां किसी की नजर नहीं सकती। इस पर ध्यान देना तो बहुत जरूरी है, पूरी दुनिया का ध्यान, पूरी दुनिया का ध्यान जाएगा तो नेचुरली है सी जिनपिंग का भी ध्यान जाएगा कि हम अपनी जनता के साथ कैसा रुख अख्तियार कर रहे हैं। ये एक पाप है जिस पाप को वे कर रहे हैं। कल भी उन्होंने पाप किया था और आज भी उसी पाप के दोहन में घुस रहे हैं। भगवान ने बहुत सर अच्छी दुनिया बनाई थी जिसमें हम लोग रहते थे, खाते थे, पीते थे, जीते थे, लेकिन ये उड़ान कहने को हम चांद पे भी पहुंच गए हैं, लेकिन धरती पे भी सुकून की जिंदगी ना मिली। ऐसे चांद पे पहुंचने का क्या फक्र, क्या फक्र करें, किस पे करें। हम गुमान कि लोग चांद पे पहुंच चुके हैं और चांद पे घर बसाने की सोच रहे हैं, जमीन भी कुछ लोगों ने खरीद लिया, लेकिन सकू भरी जिंदगी क्या इस धरती पे है, किसी चौराहे पे है, ढूंढ कर दिखला दो कि जिंदगी है क्या। त्राही मची है, सारे लोग घर के अंदर कैद, न ढंग से खा रहे हैं, न ढंग से जी रहे हैं। सीपी चाइना की ही बात अगर ली जाए तो चाइना में तो इस तरह लोग त्रस्त हैं, लेकिन बारी को आ रही पूरी दुनिया के टाइम टू टाइम। हाँ, हर जगह की सरकार ऐसी नहीं है, राहत देती है, फिर भी आदमी तो त्रस्त है। क्यों नहीं इंसान सोचता कोरोना को दूर भगाने के लिए। हमको आपको ही आगे बढ़ना होगा ताकि कोरोना से हम कोरोना को हम मात दे दे और हम बहुत दूर निकल जाए। आधुनिकता को छोड़ना होगा, कहीं भी ऐसा उपचार नहीं या कोई भी ऐसा मर्ज नहीं जिसका उपचार नहीं। आयुर्वेद में बहुत कुछ है, बहुत कुछ जड़ी बूटी में है, बहुत कुछ खान पान में है जिसमें हम तब्दीली ला सकते हैं, एक दिन में नहीं। इसके लिए हमें पूरी अपने जीवन का पन्ना पलटना होगा, बेहतर जिंदगी बनानी होगी। सबको पे चले तो मास्क लगा के चले, सरकार का कहना माने, सोशल डिस्टेंस का पालन करे, कहीं भी कुछ ऐसा ना करे जिससे आने वाला कल जो है वो कोरोना में बन जाए और सरकार को मजबूरन लॉकडाउन कर देना पड़े। हर शहर हर देश का वही नजारा होने वाला है और हो जाएगा अगर इंसान सचेत नहीं रहा तो। अभी तो हम आपको चीन की बात बता रहे हैं कि चीन ने किस तरह कराई की। हम भारत में रहते हैं, हमारे भारत के जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं या जो सरकार है बहुत ही नर्म दिल है, जो जनता पे प्रहार नहीं करती, जनता से प्यार करती। लेकिन हम चाइना की बात करें तो कहाँ है वो प्यार, दिखाई नहीं पड़ता कि वो जनता से उतना प्यार कर रही हो। अगर प्यार कर रही होती तो जनता के पेट में रोटी तो जरूर जा रहा होता। जनता सो नहीं रही होती 3 बजे से 4 बजे के बीच कि चलो एक वक्त का रोटी हम बचा पाए। बच्चों के लिए दूध नहीं है, बुजुर्गों के लिए दवा नहीं है, ये कैसी जिंदगी जिसमें आराम नहीं है, आराम हराम बन चुका है। और क्वारंटाइन में जा रहे हैं जो तो उनको पिटाई मिल रही है, आखिर किस जुर्म की सजा मिल रही है उनको क्वारंटाइन होने पे। 2 सप्ताह तक एक मेटल के मकान में रहना, क्या इसे आप जिंदगी कहेंगे। इसे जिंदगी नहीं कहा जा सकता, इसे से पनिश्ड कहा जा सकता है। क्या जीवन लिया है, जिंदगी जिया है, क्या इसी का नाम पनिश्ड है। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। इसलिए आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा और सरकार को भी, वहां की सरकार को भी, प्रशासनिक पदाधिकारी अधिकारी को भी सोचना पड़ेगा एक इंसान बनकर के कि पेट में खाना बहुत जरूरी है, हवा पानी बहुत जरूरी है, लॉकडाउन कीजिए, सुरक्षा जरूरी है, इसके लिए कोई मना ही नहीं, लेकिन पेट में रोटी तो जरूरी है। इसे आप नहीं देंगे तो कौन देंगे। जनता आपकी है, देश आपका है, तो सोचना आपको ही होगा।
उसी तरह हर देश की बात करें, हम भारत की भी बात करें, तो भारत के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और संयम बरतना पड़ेगा। ये नहीं, बहुत सारे स्टेट में देखा गया है बिना मास्क लगाए लोग सड़कों पे यूं ही घूमते हैं। माना वहां पे अभी कोरोना नहीं है, बिल्कुल शांत वातावरण है, लेकिन सोशल डिस्टेंस में चले तो क्यों, क्या दिक्कत है? अगर हम मास्क लगा कर चले तो क्या दिक्कत है? तो धीरे 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 हमारा जो भारत है वो बिल्कुल ही कोरोना मुक्त हो जाएगा। ऐसी जिंदगी क्यों नहीं जीते हम? ऐसा क्यों नहीं, कोई सरकार नहीं चाहती लॉकडाउन लगाना। हमारे भारत की सरकार की भी मजबूरी है लॉकडाउन का, वो जरूर दे रही है कि आप अच्छे रहो, सतर्क रहो, नहीं तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो अभी से आप लोग सतर्क रहिए और भारत में लॉकडाउन ना लगे ऐसी कल्पना कीजिए, चाहत कीजिए, कदम बढ़ाइए और ऐसा माहौल